इनोवेशंस में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट सीरीज की वीडियो नंबर 2। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है उनको हमने कोर इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जो एनालॉग कंपोनेंट्स से जिसके अंदर कोडिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है उससे तैयार किए गए हैं तो वो हमने कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर रखा है। इलेक्ट्रिकल सीरीज़ की इस टोटल लेक्चर्स के अंदर 5 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, 5 से 6 लेक्चर्स के बीच में इन लोगों को डिवाइड किया है। जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारे इसी चैनल के अंदर मिल सकता है आपको। हम लोग सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि सेमी कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में है। सेमी कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, यानी कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके हमने कोर इलेक्ट्रिकल के ही प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, लेकिन ये कोर में नहीं कहलाएंगे, ये सिंपल सेमी कोर इलेक्ट्रिकल में कहलाएंगे क्योंकि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का इस्तेमाल किया जा चुका है, यानी कि कोडिंग का इस्तेमाल कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का इस्तेमाल कर रखा है। माइक्रो कंट्रोलर किसी भी कंपनी के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एटमल कॉरपोरेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, आप कह सकते हैं कि माइक्रोचिप का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सीमेंस कॉरपोरेशन के भी माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। बट सम ऑफ़ दी लिमिटेशंस हैं इसके अंदर कि इनके सॉफ्टवेयर कितने अवेलेबल होते हैं। जो मोस्ट ऑफ़ दी पीपल यूज़ करते हैं वो एटमल कॉरपोरेशन के एटमेगा 8 और 16 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोजेक्ट्स तो रहेंगे इलेक्ट्रिकल के ही, लेकिन कुछ ना कुछ माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हम इसको कोर इलेक्ट्रिकल का नहीं कह सकते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ के अंदर, उन टॉप 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को आज स्टडी करना है, पढ़ना है उसके बारे में और डिस्कस करना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेमी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सेमी इलेक्ट्रिकल्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कैटेगराइज किए जा सकते हैं, तो दिस कैटेगरी कम्स आफ्टर कोर इलेक्ट्रिकल, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल इससे पिछले वाली कैटेगरी के अंदर नहीं था, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होगा तो ये सेमी कोर इलेक्ट्रिकल है, डेट यूज टू कम आफ्टर कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। दिस कैटेगरी डज नॉट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, यानी कि ये कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर नहीं आती है, ना ही ये फुल्ली कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं इन सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऑपरेशंस जितने रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड रहेंगे या इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्जन से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे, लाइक कि थंब इंप्रेशन मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं या GSM का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इन सब का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर जो ऑपरेशंस रहेंगे हमारे वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस रहेंगे। तो इसके बाद जो मेन इसका फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, इसके अंदर कुछ टाइम बेस्ड ऑपरेशन जब भी रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, कुछ टाइम बेस्ड ऑपरेशन है लाइक आपको कोई टाइमर बनाना है या आप चाहते हैं कि सर्टेन मशीन जो है पहले स्टार में स्टार्ट कर रहे हैं देन आपको उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है कई बार। तो मशीन से ऑपरेटेड ही या पावर कन्वर्जन से ऑपरेटेड ही रिलेटेड ही सारे के सारे ऑपरेशंस होंगे, यानी कि हम सेंसर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, GPS मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, GSM मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन सब का हम इस्तेमाल कम से कम करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन डू इन्वॉल्विंग कंट्रोल इन्वॉल्व कंट्रोल, यानी कि कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस लाइक अगर सिंपल सी रिले टिकर करानी है हमको तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर के थ्रू भी करा सकते हैं हम, डायरेक्ट भी 6 वोल्ट या 9 वोल्ट रिले को हम टिकर कर सकते हैं। रिलेज के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो की एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल के कोर कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में एक एक कंपोनेंट को हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर, तो वो हम मीन वाले भी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कि जो कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली वर्किंग करते हैं, स्ट्रेट वर्किंग करते हैं, तो उनमें कभी कभी हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करते कंट्रोलर का। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है कि मान लीजिए कि आपकी एक स्टार डेल्टा कन्वर्टर के हिसाब से आपके मोटर को भी स्टार्ट करना है, पहले स्टार में रखना है देन आफ्टर सम सेकंड रिड्यूस टू कन्वर्ट टू डेल्टा, देन मीन वाइल आपको उसका टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो शट डाउन ले ले उसी वक्त। तो जब ये सारे ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कोर इलेक्ट्रिकल के हमारे स्टार्ट हो जाते हैं हमको करने के लिए, तो उस केस में हम लोगों को माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल हो जाता है तो हम इसको अब कोर इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में इन प्रोजेक्ट्स को नहीं रख सकते, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे साथ रहती है। अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर टॉप 10 सेमी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, हमने कैटेगरी बनाई है, हो सकता है कि किसी को टॉप 10 कैटेगरी में कोई और अपना रखना चाहता हो। कलाम इनोवेशंस ने अपनी टॉप 10 कैटेगरी बनाई है जो सेमी इलेक्ट्रिकल के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर मंथ हम एक टॉप 10 कैटेगरी जो है बनाते रहें जिसमें कोर इलेक्ट्रिकल के भी, सेमी कोर इलेक्ट्रिकल के भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट जो हमारी सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो स्मार्ट टेक्नीशियन ग्लव फॉर लाइव वायर डिटेक्शन, ये एक पहला है जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है
जिसको AKTU ने मतलब सराहा भी है और उनको अवार्ड भी दिया है इसके रिसर्च पेपर से रिगार्डिंग और इसके हार्डवेयर से रिगार्डिंग। और ये अभी बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है। रिसेंट एक प्रॉब्लम आ रही थी कि टेक्नीशियंस लोग जब भी लाइव वायर पर काम करते हैं, जैसे कि खंभों पर चढ़ गए हैं टेक्नीशियंस लोग, उनको पता नहीं होता कि फीडर से वो लोग शटडाउन लेकर आ रखे होते हैं, तो फीडर से कभी कभी मेल फंक्शनिंग की वजह से या कन्फ्यूज़न की वजह से पीछे से सप्लाई दे दी जाती है, और टेक्नीशियन जब पोल पर खड़ा होता है तो वो अवेयर नहीं होता कि वायर के अंदर सप्लाई है या नहीं। तो इन सम केसेस वो लाइव वायर को टच करने की वजह से वो अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि खंभे पे चढ़े लाइनमैन या टेक्नीशियन की लाइन में करंट आने से उसकी मौत हो गई, वो चिपक गया, उसकी डेथ हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि जो ग्लव्स वगैरह भी कई बार इस्तेमाल करते हैं टेक्नीशियन, तो उनका इंसुलेशन भी ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक हाई लेवल के इंसुलेटेड ग्लव का इस्तेमाल किया है, उसके साथ साथ स्मॉल स्मार्ट ग्लव इसको बनाया हमने जो कि लाइव वायर को डिटेक्ट कर सके, यानी कि ये हॉल तकनीक पर काम करता है। इसमें हॉल सेंसर का इस्तेमाल किया है, इसको हमने सेमी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के इसलिए डाला है कि इसमें हॉल सेंसर का इस्तेमाल किया, यानी सेंसर का यूज़ कर लिया हमने जो सबसे छोटा माइनर पार्ट है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए हमने इसको सेमी में डाला है, वरना इसको कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर रखते हम। तो ग्लव के अंदर क्या रहता है कि जैसे ही वो लाइव वायर के करीब जाता है तो एक अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने के साथ एक रेड कलर की ग्लव पर ही लाइट ग्लो होने लगती है, तो इससे पता चल जाता है कि सप्लाई जो मैं शटडाउन लेकर आया था फीडर से, वो अभी किसी ने गलती या किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न वश इसको स्टार्ट कर दिया है, यानी कि इसको छूने से डेथ हो सकती है। तो स्मार्ट टेक्नीशियन ग्लव जो है फॉर लाइव वायर डिटेक्शन, ये टेक्नीशियंस की लाइफ को सेव कर सकता है। तो अभी तक इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलता है, प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो डेट द लाइफ ऑफ द इनोसेंट लाइनमैन कैन बी सेव्ड बाई दिस टेक्नोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग इस पर काम करें, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका अगर एडवांस वर्जन पे आप काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हेलमेट्स पर भी काम करना चाहते हैं, तो हेलमेट भी कई बार डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन जो हमारा ग्लव है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ग्लव सबसे करीबी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में रहता है, हेलमेट फिर भी डिस्टेंस बना जाता है जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन जो है हॉल सेंसर तक नहीं जा पाती, और हॉल सेंसर पर ना आने के कारण उसको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट नहीं किया जा पाता। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा रहेगा फॉल्ट एनालिसिस फॉर LG LL फॉल्ट इन परमानेंट फॉल्ट, यानी कि कोई परमानेंट फॉल्ट हो रहा है लाइन के अंदर, तो लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू लाइन फॉल्ट अगर हो रहा है, दो तरीके के फॉल्ट है, टेम्परेरी और परमानेंट। हम परमानेंट के केसेस की बात कर रहे हैं, तो फॉल्ट एनालिसिस यानी कि कितने डिस्टेंस पर फॉल्ट हुआ है ये हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि आपकी कोई लाइन है जो 100 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस है और आप सब स्टेशन पर इस लोकेशन पर बैठे हैं, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, आपको जाकर चेक करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। अब ऐसे नहीं बता सकते कि 70 किलोमीटर दूर पर आपका फॉल्ट हुआ है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर सीमेंस कॉरपोरेशन के जो बहुत ही कॉस्टली हैं, जो ये इस्तेमाल करते हैं पता लगा देते हैं एक्सैक्ट कि कितने किलोमीटर पर फॉल्ट हुआ है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट की फॉर्म में बात करें तो आपको इंटरनेट पर बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट जो ओवरहेड लाइंस के केस में, मैं केबल फॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंसुलेटेड केबल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरहेड लाइंस में आपके फॉल्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बता सकें तो ये बहुत ही कम मिलेंगे। तो आपको फॉल्ट एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से कंट्रोलर से आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ और वहाँ कितना डिस्टेंस है। तो कैलकुलेशन से आपको कोडिंग में सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं कंट्रोलर में, इससे आपका एग्जैक्ट पॉइंट लोड निकल आता है, पॉइंट लोकेशन निकल आता है कहाँ फॉल्ट हुआ है, जिससे आप अपने टेक्नीशियंस को भेज कर आसानी से उस फॉल्ट को रिजॉल्व कर सकें। कहीं पर पेड़ गिर गया है हाँ, और लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया है आंधी आने की वजह से, आपने पीछे से फीडर से सप्लाई ऑन किया, आपकी रिले ट्रिप कर गया हाँ, सर्किट ब्रेकर जो है आपका ट्रिप कर गया, उस एरिया की सप्लाई इंटरप्ट हो गई, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि कितना किलोमीटर हुआ है, जैसे उस पेड़ को हटाया जा सके, लाइन को फिर से कनेक्ट किया जा सके और इस लाइन टू लाइन फॉल्ट को एलिमिनेट किया जा सके। टेम्परेरी परमानेंट इसलिए कहेंगे कि अगर एक बार पेड़ प्रॉपर तरीके से गिर गया और कई घंटों तक या 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे तक नहीं हट रहा, तो वो परमानेंट फॉल्ट की केस कैटेगरी में ही चला जाएगा। देन मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक, थायरेस्टर बेस्ड सॉफ्ट स्टार्ट फॉर इंडक्शन मोटर। थायरेस्टर बेस्ड सॉफ्ट स्टार्ट यानी कि थायरेस्टर आप लोगों को पता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक फैमिली का वन ऑफ द पावरफुल मेंबर जो है वो थायरेस्टर है। तो इसमें क्या है कि ये बनता सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही है, लेकिन इट इज़ कैपेबल ऑफ ड्राइंग हायर करंट रेटिंग्स, यानी कि आप अगर छोटे ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो वो इतना करंट बियर नहीं कर सकता, लेकिन थायरिस्टर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं कि सर्टेन एम्पेयर्स की कैपेसिटी में इनकी पावर को कन्वर्ट किया जा सके। तो सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल किया है थायरिस्टर की मदद से इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर कोई हाई रेटिंग की इंडक्शन मोटर को अगर हमें स्टार्ट करना है
और सॉफ्ट स्टार्ट करना है उसको, तो हम थायरिस्टर की मदद से कर सकते हैं। तो थायरिस्टर भी पहले पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और देन इंडक्शन मोटर के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, उसके बाद ही हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। देन कैपेसिटर बेस्ड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वाया माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि आपने पता होगा कि जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करना है, वी आई कॉस फाई के, कॉस फाई के फैक्टर को अगर इम्प्रूव करना है हमको, तो जो कैपेसिटिव फैक्टर है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी कि बड़े बड़े सब स्टेशन के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर की बैंक लगा दी जाती है पूरी, और उससे क्या होता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंडक्टिव फैक्टर्स को थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो कैपेसिटर को पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बड़े बड़ी बैंक्स होती हैं जिनको हम सब स्टेशन पर ऐड करते हैं, तो उससे ये काम किया जा सकता है हमारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये कब ऐड किया जाना है। कभी कभी तो परमानेंटली ऐड किया जाता है कि अगर लोड आपका सप्लाई दे रहे हैं तो आफ्टर 3 सेकंड्स या आफ्टर 5 सेकंड्स ऑटोमेटिकली कैपेसिटर की बैंक जो है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट हो रही है तो टाइमिंग बेस्ड नहीं कर सकता है इसके अंदर। मान लीजिए कि आपको उतना लोड नहीं मिल रहा है 5 सेकंड बाद और आपने कैपेसिटर बैंक जो है ऐड कर दी है, तो उस केस में प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट वर्किंग नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लोड बेस्ड सिस्टम को बनाते हैं। यानी कि अगर करंट बढ़ेगा लोड के अंदर, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर की बैंक्स ऐड होती जाएंगी। सपोज करो वी हैव द 3 पावर बैंक्स ए बी एंड सी, ए के अंदर हमारे 100 कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, बी के अंदर 100 लगा रखे हैं, सी के अंदर 100 लगा रखे हैं। तो अगर फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अगर 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो ए बी वाला ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से कैपेसिटर्स को जो है हम ऐड कर सकते हैं अपने पावर रेटिंग के हिसाब से। जितना एम्पेयर ऐड होते जाएंगे, जितने एम्पेयर हमारे ऐड होते जाएंगे, उस हिसाब से हमारी कैपेसिटर बैंक्स भी ऐड होती जाएंगी। तो ये फोर्थ वाला प्रोजेक्ट जो है कोर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल हो जाएगा कि करंट के हिसाब से कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इस वजह से हमने इसको सेमी इलेक्ट्रिकल के अंदर, सेमी कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने इसको ऐड किया है। देन हमारा फिफ्थ वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग सिस्टम। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पहले सबको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ब्रेकिंग का रिक्वायरमेंट किस तरह से है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को भी ब्रेक करके हम एक कोर इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मतलब सेमी कोर इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ब्रेकिंग के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स आएंगे, जो हमारा मॉड्यूल्स होंगे, जो हमारी फिक्स टाइमिंग्स होंगी, उसके लिए हमें कंट्रोलर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेमी इलेक्ट्रिकल के अंदर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो 6th नंबर का प्रोजेक्ट हमारा निकल कर आता है, जो कि सेमी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर ही है, वो BLDC मोटर स्पीड कंट्रोल वाया माइक्रो कंट्रोलर। BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है किसके द्वारा, माइक्रो कंट्रोलर की। सबसे कॉमन एग्जांपल है BLDC मोटर का जो अभी इस्तेमाल में आ रहा है। आपने देखा होगा आपके एरियाज में ई रिक्शा चल रहे हैं, ई कार्स इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं आजकल, जिनको मिनी मेट्रो भी किसी एरियाज में कहा जाता है, और अलग तरीके से जो भी नाम दे रखे हैं उन्होंने। तो BLDC मोटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनके अंदर। यानी कि 1 kW की भी आती है, 750 वाट की भी आती है, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से ये BLDC मोटर आती है। तो इसकी स्पीड कंट्रोल सबसे, एक्सेलेटर आप बढ़ाते, ये रिक्शा वाला एक्सेलेटर बढ़ाता है तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलेटर घटाते हैं तो मोटर की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। ये कैसे किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो BLDC मोटर की स्पीड कंट्रोल करके कोई हल्का सा फ्रेम बनाकर एक कोई बाइक भी बना सकते हैं अपनी, कोई कार भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी बनाकर लोगों को सेल आउट कर सकते हैं, या अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो BLDC की मोटर अगर आपने स्पीड कंट्रोल कर ली तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े प्रोडक्ट सेगमेंट में आप एंटर कर रहे हैं, ना कि प्रोजेक्ट सेगमेंट में। तो सेमी इलेक्ट्रिकल के अंदर हम इसको रखेंगे, कोर इलेक्ट्रिकल में अभी भी इसको नहीं रखेंगे। वी विल हैव टू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो कंट्रोलर कोडिंग इन इट, सो वी विल कैटेगराइज इट इन सेमी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। नंबर 7 जो आता है इस टॉप 10 लिस्ट के अंदर, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग ड्रिल वाया कैपेसिटर इन ऑल मोड्स। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग के लिए किस तरीके से कैपेसिटर रन मोटर आती है, कैपेसिटर स्टार्ट वाले मेथड्स आते हैं। तो मल्टीपल तरीके से की जो ड्रिल्स होती हैं, जिन भी तरीके की ड्रिल्स होती हैं कैपेसिटर्स को ऐड करने की, कैपेसिटर्स को रिमूव करने की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो आप एक पूरा सेट बना सकते हैं और उनका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। नंबर 8 प्रोजेक्ट जो हमारा रहेगा वो सोलर बेस्ड मल्टी स्टेज स्मार्ट साइनोसाइडल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। यानी कि आप सोलर की तकनीक से पहले आप DC जनरेट कर रहे हैं, और DC कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टी स्टेज तरीके से उसको साइनोसाइडल से बिल्कुल AC वेवफॉर्म बना रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी द्वारा। तो ये एक सोलर बेस्ड आप कह सकते हैं कि सेमी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट रहेगा, जिसको इन्वर्टर भी मल्टी स्टेज, यानी कि मतलब बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर के नाम से एडवर्टीजमेंट आते हैं कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर। यानी कि पहले कभी कभी जो हम इन्वर्टर्स इस्तेमाल करते थे वो स्क्वायर वेव के भी हो जाते थे, कभी कभी थोड़े से सॉ टूथ की शेप में भी रहते थे, प्रॉपर साइनोसाइडल सिग्नल्स हमको
कभी कभी नहीं मिल पाते हैं अगर उच्च क्वालिटी का हमारा इन्वर्टर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो डेट्स वाई वी हैव यूज द मल्टी स्टेज स्मार्ट साइनोसाइडल इन्वर्टर, यानी कि आपको मल्टीपल तरीके से उनको रिफाइन करके साइनोसाइडल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर 9 प्रोजेक्ट जो आता है वो मेगा रेजिस्टेंस आता है, मेगा रेजिस्टेंस टेस्ट बाय डिजिटल स्कीम, यानी कि 3 तरीके रेजिस्टेंस होते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है आपको? केबल के इंसुलेशन वगैरह में। तो इसको क्या करते हैं, हमारा मैगर आता है, मैगर के इस्तेमाल में कहते हैं मैगरिंग करना है इसको, तो मैगर की मदद से हम लोग हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है कन्वर्ट। बात करते हैं अब लास्ट प्रोजेक्ट की यहाँ पर, जो थायरिस्टर बेस्ड डिजिटल फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है, यानी कि आप थायरिस्टर की मदद से साइक्लो कन्वर्टर भी बना सकते हैं। आपको पता है, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जिन लोगों ने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है। तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है, किसकी मदद से? थायरिस्टर की मदद से। थायरिस्टर की मदद से आप साइक्लो कन्वर्टर बना सकते हैं, लेकिन किस तरह से बना सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, एक पूरा बॉक्स बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उस पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, 50 चाहिए तो ये वाला प्रेस कीजिए, 60 चाहिए तो ये वाला, 70 चाहिए तो ये वाला, 90 चाहिए तो ये वाला। तो यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी के बटन पर आप क्लिक करेंगे आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी कन्वर्ट हो जाएगी। किसकी मदद से? थायरिस्टर की मदद से। थायरिस्टर की मदद से आप इजीली एक साइक्लो कन्वर्टर बना सकते हैं। आपको माइक्रो कंट्रोलर का हल्का सा इन्वॉल्वमेंट करना होगा, कोडिंग करनी होगी सी के अंदर, और आप थायरिस्टर की मदद से साइक्लो कन्वर्टर बना सकते हैं। यानी कि ऑपरेशन दोनों इलेक्ट्रिकल के ही हैं, थायरिस्टर भी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एलिमेंट है, यानी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, पूरा हमारा एक पावर का एक एसेंशियल कंपोनेंट है कि फ्रिक्वेंसी है, करंट है, वोल्टेज है, और ये सारी चीज़ें पावर फैक्टर वगैरह, तो फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी कोर इलेक्ट्रिकल की ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का करना पड़ेगा हमको इन कन्वर्टर बॉक्सेस को बनाने के लिए, तो इसको हमने सेमी इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स के अंदर मेंशन किया है। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 सेमी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये आप टीम कलाम इनोवेशन इंडिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है इस लेक्चर को देखने के लिए। तो पहले सबसे वीडियो 1 को देखिए, जिसमें आपको कोर इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, देन वीडियो 2 में आपको सेमी के मिलेंगे, देन वीडियो 3, 4, 5 इस सीरीज़ की सारी आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल के सारे प्रोजेक्ट्स जो भी बन सकते हैं, जिस जिस कैटेगरी में बन सकते हैं, उनके बारे में हम इस कंप्लीट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मैकेनिकल सेक्शन, सिविल सेक्शन, कंप्यूटर साइंस सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेक्शन, मैकेट्रॉनिक्स और सभी ब्रांचेस के टॉप 10 इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको इस तरीके का बाइफरकेशन इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स का नहीं मिलेगा। आप अगर पूरा का पूरा इंटरनेट भी खंगाल डालेंगे कि कौन से कोर इलेक्ट्रिकल में हैं, क्यों रखे जा रहे हैं, कौन से सेमी इलेक्ट्रिकल में हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड रहेंगे, कौन से एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना कि कौन सी कैटेगरी का हम प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं और हम किस लिए चूज़ कर रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।